हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडो डिफेंडर एंटीवायरस को आपने परमानेंटली कैसे कैसे उसको आपने डिसेबल करना है परमानेंटली बेस पे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा कि आप टेम्परेली बेस पे कैसे उसको टर्न ऑफ और ऑन कर सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एंटीवायरस दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से शील्ड की तरह यहाँ पर ये विजिबल होता है यहाँ पर। तो इसको मैं आपको आज परमानेंटली डिसेबल करके दिखाऊंगा और फिर आपको इनेबल करके दिखाऊंगा उसको, इन केस अगर आपका माइंड चेंज होता है और आप उसको इनेबल करना चाहते हैं। तो हमें इसे परमानेंटली डिसेबल करने की कब नीड पड़ती है दोस्तों? जब हम कोई यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं या फिर कोई क्रैक वर्जन वगैरह हम यूज करते हैं, और सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई भी डर नहीं है, आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पर। तो इस केस में हम इसको परमानेंटली यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसको कैसे डिसेबल करना है दोस्तों, रजिस्ट्री के जरिए। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है इस तरीके से, और उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, सेटिंग पर जाना है आपको। यहाँ से हमने कुछ सेटिंग चेंज करनी है इसकी। उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी यहाँ पर जाना दोस्तों, और विंडोज सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन लेफ्ट साइड में ये वाला। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ये है, इस पर क्लिक करना दोस्तों। और उसके बाद इसको हल्का सा स्क्रोल डाउन करेंगे आप, मैनेज सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, मैनेज सेटिंग पर चले जाना हमने। और ये आप देख सकते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर ये टेम्पर प्रोटेक्शन है जो इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर टेम्पर प्रोटेक्शन सेटिंग को इसको ऑफ करना है, तभी हम रजिस्ट्री कर पाएंगे यहाँ पर इसके, और यस करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ कर दिया इस तरीके से टेम्परेली बेस पे। दोस्तों आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ करते हैं, तो ये टेम्परेली बेस पे दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ऑफ हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको परमानेंटली यहाँ पर ऑफ करना है या डिसेबल करना है, तो इसको टेम्पर प्रोटेक्शन को ऑफ करना है रजिस्ट्री करने के लिए। तो सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर करना है, या फिर आप रन इस तरीके से भी जा सकते हैं यहाँ पर, रन सर्च करके इस तरीके से, इस पर क्लिक करना आपको रन पे। और यहाँ पर आपको लिखना है रेग एडिट, REGEDIT। जैसे ही आप ओके करेंगे इस पे, यस का ऑप्शन आएगा आपके पास, यस करना है आपको। और इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा, इस तरीके से पेज आएगा आपके पास। तो आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर एच की लोकल मशीन, इसको एक्सपेंड करना है यहाँ से लेफ्ट इस तरीके से, या फिर आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स में जाना है इस तरीके से, इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं आप इस तरीके से। और सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉलिसीज का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करना है इस तरीके से। और उसके बाद इसी के नीचे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है ये वाला ऑप्शन, इस पर डबल क्लिक करना है इस तरीके से, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं दोस्तों उसको। और उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन देखें इसी रो में, विंडो डिफेंडर करके, यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना आपको इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पाथ ये है दोस्तों, यहाँ पर एच की लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, पॉलिसीज, माइक्रोसॉफ्ट, विंडो डिफेंडर, इस तरीके से ब्लैंक पेज आ गया यहाँ पर ये। इस पर राइट क्लिक करना है इस तरीके से, और न्यू का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, जो हमें थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, ये डी वर्ड 32 बिट वैल्यू, इसको ओके कर लेना है। और इस तरीके से यहाँ पर ये फाइल बन के तैयार हो जाएगी, और ये इस तरीके से फाइल बन जाएगी यहाँ पर आपके पास। तो आपको इसको यहाँ पर रिनेम करना है, तो आपको लिखना है डी बड़ा डिसेबल, और उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है एन टी ए बड़ा ANTI इस तरीके से, और स्पाईवेयर एस आपको बड़ा लिखना है, SPY और WARE इस तरीके से फाइल में। उसके बाद आपको एंटर कर देना है इस तरीके से, और एंटर करने के बाद दोस्तों आपको इसको डबल क्लिक करना है इस तरीके से। और जो इसकी वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 0 रहेगी बाय डिफॉल्ट, तो आपको 1 कर देना है इस तरीके से।
और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ओके कर लेना है दोस्तों यहाँ पर इसको, और यहाँ से एग्जिट कर लेना है। और अब आपको अपना सिस्टम यहाँ पर रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट आप जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपका जो एंटीवायरस है विंडो डिफेंडर वो परमानेंटली यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। तो अब दोस्तों मैंने रीस्टार्ट कर लिया अपना सिस्टम यहाँ पर विंडो डिफेंडर की रजिस्ट्री करने के बाद। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरा एंटीवायरस यहाँ पर परमानेंटली डिसेबल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं यहाँ पर, और विंडोज सिक्योरिटी आप लिखना है यहाँ पर। विंडोज सिक्योरिटी जैसे लिखेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करना आपको, और उसके बाद सेम जगह पर जाना आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर मैनेज सेटिंग है जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग के नीचे है ये वाला ऑप्शन, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑफ हो चुका है यहाँ पर। अगर हम इसको ऑन करते हैं और यस करते हैं यहाँ पर तो ये ऑन नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, और इसको भी अगर हम ऑन करना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं। तो मेरा एंटीवायरस जो है दोस्तों ये परमानेंटली बेस में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आप, ये ऑफ हो चुका है या डिसेबल आप बोल सकते हैं उसको, डिसेबल हो चुका है परमानेंटली बेस पे। तो इसको आप दोबारा इन केस अगर आपका माइंड चेंज होता है और आप अब आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए दोस्तों तो उसके लिए मैं आपको इसको कैसे इनेबल करना है दोबारा से इसको उस सेटिंग को बताने जा रहा हूँ। तो आपको सेम जगह पर जाना है, यहाँ पर विंडो प्लस आर का बटन आपने एक साथ दबाना है, और रेगेडिट लिखना आपको जैसा आपने पहले लिखा था, ओके कर देना है और यस कर लेना है उसके बाद। और ये है दोस्तों इसकी रजिस्ट्री जो हमने करी थी लास्ट टाइम। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे करना है इसको इनेबल। तो आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्री ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सेम जगह पर जाना है, एच की लोकल मशीन डबल क्लिक करना है इसको, और उसके बाद सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना आपको, उसके बाद पॉलिसीज को डबल क्लिक करना है, उसी के नीचे आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन दिखेगा उसको डबल क्लिक करना है, और उसी के नीचे यहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन विंडोज डिफेंडर इसको डबल क्लिक करना है, और ये आपात देख सकते हैं इसका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका आपात कैसे आपको जाना है यहाँ पर। और ये फाइल जो आपने बना रखी है यहाँ पर दोस्तों ये वाली डिसेबल एंटी स्पाईवेयर करके, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करना है इस पर और इसको डिलीट कर देना है इसको, और आप जैसे इसको डिलीट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना अपना सिस्टम, और रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपना जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो ऑन कर देना है, और वो ऑन हो जाएगा, और जो विंडो डिफेंडर है आपकी सिक्योरिटी के लिए वो इनेबल हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू।